नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रबी फसलों के उन्नत बीज खरीदने सरकार ने जारी किए नंबर। अब कृषि कार्यों के लिए भी मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल 2022 हुआ शुरू। मछुआरों को मिलेगी 4500 रुपए की आर्थिक मदद। और दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर की मिलेगी सब्सिडी। अब खबरें विस्तार से। देश में जल्द ही रबी सीजन की फसलों की बुआई का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए किसानों ने बीज और खाद खरीदना भी शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उन्नत और प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए राज्य बीज निगम के अधिकारियों के फोन नंबर जारी किए हैं। इसके लिए किसान निगम मुख्यालय भोपाल के लिए नंबर 07554934182, भोपाल होशंगाबाद के लिए 07554866311, इंदौर के लिए 07312332709 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट mpssfdc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसानों को विभिन्न योजनाओं के जरिए कृषि कार्यों के लिए बिना ब्याज के लोन प्रदान किया जाता है, लेकिन अकृषि कार्यों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत अकृषि कार्यों के लिए बिना ब्याज के न्यूनतम 25,000 और अधिकतम 2,00,000 रूपये तक का ऋण दिया जायेगा। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों के माध्यम से मिलेगा। योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण जो कि पिछले 5 सालों से निवास कर रहे परिवार को दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि कार्यों में जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवार व दस्तकार भी इसके लिए पात्र होंगे। भूमिहीन, श्रमिक, लघु सीमांत किसान जो बटाईदार या किराएदार के रूप में काश्तकारी कर रहे हैं वो भी लाभ ले सकते हैं। आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्निवाल 14 से 18 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में करीबन 20,000 किसानों के शामिल होने की संभावना है। इस अवसर पर एक वृहद अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। बिहार सरकार मछली पालकों के लिए राहत सह बचत योजना चला रही है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के मछली पालकों को प्रतिबंधित महीनों में 4500 रुपए की मदद के तौर पर दिए जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक मछली पालक 31 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत सालाना 1500 रुपए की 3 किश्तों में 4500 रुपए की मदद दी जाएगी। आप वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिले में स्थित मछली विभाग के कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते हैं। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना चला रही है। इसके तहत पशुपालकों को दूध बेचने पर 5 रूपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाती है। यानी यदि कोई दूध उत्पादक 100 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से दूध बेचता है तो उसके खाते में 500 रूपये की अतिरिक्त राशि जमा कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य प्रदेश में डेयरी इंडस्ट्री को मजबूती देना है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को डेयरी बूथों पर जाकर अपना दूध बेचना होगा। बता दें कि योजना के तहत पहले दुग्ध उत्पादकों को 2 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान दिया जाता था, जिससे बजट घोषणा 2022-23 में बढ़ाकर 5 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। तो किसान भाइयों, हमारे बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।